कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज में कुछ दवाइयों की बहुत ही आवश्यकता होती है। मरीजों को यह दवा बेहद जरूरी है। थोक दवा विक्रेताओं के पास दवाएं किस प्रकार की उपलब्ध हैं, तो जिला प्रशासन इसकी खोजबीन कर रहा है। एसडीएम ऋषभ जैन के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला दवा बाजार पहुंचा। मुख्य दवा विक्रेता दुर्गा फार्मा के यहाँ भी दवा के स्टॉक की उन्होंने जाँच की। एसडीएम ऋषभ जैन का कहना है, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी इलाकों में पॉजिटिव मरीजों को रेड क्रॉस के माध्यम से दवाओं का वितरण करवाना है और इसके लिए ही यह जांच अभियान चल रहा है। आज कलेक्टर साहब के निर्देश पर और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जी के नेतृत्व में कोरोना संबंधित जो जरूरी दवाई है, पैरासीटामॉल है, जिप्टोमाइसिन है, विटामिन सी है, उसके हम लोगों ने जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, सप्लायर हैं, उनके यहाँ से जाकर के उनका स्टॉक लिया है। उद्देश्य ये है कि इन दवाइयों को रेड क्रॉस के माध्यम से परचेज किया जाएगा और फिर ज़रूरतमंदों को और ग्रामीण क्षेत्रों में बंटवाया जाएगा। अभी कहाँ कहाँ अपन ने दोनों दवा बाज़ार में और यहाँ पर जो दवाइयाँ जहाँ मिल रही हैं, किसी के यहाँ दो दवाइयाँ, किसी के यहाँ चार दवाइयाँ हैं। स्टॉक लेने का उद्देश्य ये था कि कितनी मार्केट में है, कहीं कम तो नहीं पड़ेगी, और अगर परचेज करना पड़े तो कहाँ से परचेज करके रेड क्रॉस के माध्यम से बंटवाया जाएगा।